मैं अभी मधुपुर प्रखंड से सापेर पुल के पास खड़ा हूँ। यह पुल अपने दो दो शिलान्यास और लगभग 10 साल की अवधि गंवा कर भी आज तक अधूरा पड़ा अपने तथा इस क्षेत्र के लोगों की किस्मत पर आंसू बहा रहा है। एक और भारत का सबसे लंबा सड़क पुल मात्र 3 सालों में बनकर तैयार हो गया, वहीं दूसरी ओर लगभग आधा किलोमीटर लंबा पुल 10 सालों में भी नहीं बन पाया है। इस पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने से आप लोगों को क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ता है? हमें यह तकलीफ है, जब बांध आ जाए तो पार नहीं मिल पा रही है, हमें वहाँ से चैसे पर चले तो हमें डर लगे है, अरे वो बांध वही मर गए। हमारे गांव का जो सप्तर है वहाँ का एक व्यक्ति जिनका नाम है विनोद ठाकुर, उनका एक लड़का था 11 साल का, उनको किसी कारणवश बीमारी के कारण उनका डेथ हो गया। यदि यह पुल पूरी तरह से निर्मित होता तो उनको आराम से हॉस्पिटल तक पहुँचा करके उनकी जान को बचाई जा सकती थी। कभी नदी में पानी आ जाता तो हम लोग खेत के लिए नहीं जा पाते हैं, बाजार जाना है सब्जी लेकर के जा नहीं पाते हैं, रास्ते में हम लोग को यहाँ साइकिल लेकर के आते हैं तो साइकिल पार नहीं कर पाते हैं। ये पुल का निर्माण कार्य अब तक क्यों रुका हुआ है? सिर्फ इंजीनियर और ठेकेदार के लापरवाही के कारण रुका हुआ है। इंजीनियर का कहना है कि ये काम गलत हुआ है और ठेकेदार अशोक राय का कहना है कि ये काम सही हुआ थी। ठेकेदार अशोक राय का कहना है कि अगर यदि कहीं गलत है तो हमको लिखित में दीजिए। इसके शिलान्यास के बाद पीछे शिलान्यास हुआ जा करके यहाँ मोहनपुर में वो पुल बन करके तैयार हो गया, गाड़ी आता जाता है, और यहाँ टढ़ेरी घाट नीचे में ये भी तैयार हो गया, इसमें गाड़ी आता जाता है, और हमारा पुल एकदम पड़ा हुआ है। क्या आज सरकार हम लोगों के ऊपर सौतेला व्यवहार कर रहा है नहीं जानते। इस पुल के निर्माण कार्य पिछले 10 सालों में करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, पर खर्च किए गए रुपए अब तक व्यर्थ ही साबित। लगभग 50 से 60 गांव और हजारों परिवार आज इस पुल के निर्माण का आस लिए बैठे हैं। आप हमारे साथ कुछ दिन होते तो आपको ये दिखाई दे रहा है जो ये बांस का बना हुआ टटरी, इससे हम लोग आते जाते हैं बरसात के दिनों में, सूखा के दिनों में तो किसी तरह से चल जाते हैं, इन बरसात के दिनों में काफ़ी तकलीफ होती है हम लोगों को जाने में, और मुख्य बाजार हम लोगों का मधुपुर ही है। आप सभी जानते ही हैं कि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ नक्सलियों का प्रभाव बहुत अधिक है, और नक्सली प्रभाव का सबसे बड़ा कारण हम सभी जनता जानते हैं कि विकास की योजनाओं का ना होना। इसलिए हम ग्रामीण जनता यह अनुरोध करते हैं कि सरकार से कि इस क्षेत्र को विकसित करें, सारी समस्याओं का समाधान करें, यह जो अर्धनिर्मित पुल है उसको पूरा करें, तब विकास की योजनाएं चल पड़ेगी। झारखंड जैसे राज्य में विकास की गति धीमी है, वहीं विकास के नाम पर आए पैसे का व्यर्थ बह जाना इस राज्य को पीछे धकेल रही है। मैं मुकेश रजक, झारखंड के देवघर जिला का इंडिया नाट से।